उत्तर प्रदेश में आखिर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार स्मृति उपाध्याय में खड़े हुए हैं, एक समाजवादी पार्टी की गठबंधन भी हुआ, कई नेता यहाँ पर मौजूद है, जानते हैं आखिर इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी और आखिर किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। क्यों क्यों बनेगी? ये जालिम और ये गरीबों को पिसने वाली गाड़ी चढ़ा देने वाली सरकार है और जनता चाहती है कि हमसे कंधे से कंधा मिला के जो सरकार चलेगी हम उसके साथ जाएंगे। और समाजवादी ने जो करके दिखाया है शुरू से सन 1989 से और अब तक जितना भी काम किया है सारा नारायण सिंह ने किया है। बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, जो काम हमारे समाजवादी पार्टी के उसी को वो दिखा रही है। सरकार बोलती है मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन के पीछे क्या देखिए, उसके घर से 2000 महीना वो खींच के ले जा रही है। अच्छा आप बताइए बीजेपी सरकार को बताइए आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों करके दिखाते हैं और आप लोग के सामने हैं आगरा एक्सप्रेस जिलों को जोड़ दिया है, वो तो सारा जो शिलान्यास करके हमारे माननीय जी करके गए थे, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। झूठ और झूठों की सरकार है, अब इससे क्या इसका अपेक्षा? तो क्या लगता है 22 में लहर चल रही है इनकी? अच्छा लहर चल रही है, लहर चल रही कि नहीं? आप भी गठबंधन के साथ क्या कहेंगे आखिर अखिलेश सरकार क्यों बनी? देखिए पिछली बार सरकार ने जनता को बहुत कुछ दिया, सबको सहयोग किया, उसके बाद जो सरकार अब बनी थी इसने लोगों को रुला दिया। लेकिन दो साल तो ये चीज नहीं बात है, पिछली सरकार ने करा क्या? राशन बांटा फ्री में, और राशन के नाम पे क्या बांटा? नमक के पैकेट के पैसे दिए गए जिसका कोई अथॉराइज नहीं था, और केवल गेहूँ चावल से पेट नहीं भरता, ईंधन तो महंगा था, गैस सिलेंडर का रेट कम नहीं करे थे, तो गैसे तो लोगों में खर्च हो रही है, दवाइयों के लिए अस्पताल मुहैया नहीं थी, ऑक्सीजन समय में मुहैया नहीं थी, जो महत्वपूर्ण चीज थी वो नहीं था। बाकी अखिलेश को क्यों चुना था? एक तो वो युवा नेता, उसको राजनीति के अनुभव में यहाँ पे एक होता है पढ़ लिख कर राजनीति करना और एक होता घंटा बजा कर, उनके अहंकार को टेस्ट समय से पहुंचे, छात्र जो होता है ना उसको टेस्ट नहीं पहुंचे। तो मतलब चलिए और भी लोग अखिलेश भैया, चलिए अखिलेश सर बताइए आखिर उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार मिले इसलिए अखिलेश को चुनना चाहिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार की अच्छी व्यवस्था मिले इसलिए अखिलेश को चुनना चाहिए, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो इसलिए अखिलेश जी को चुनना चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास ज्यादा हो इसलिए अखिलेश जी को चुनना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो इसलिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को चुनना चाहिए, नौजवानों को लैपटॉप मिले इसलिए अखिलेश जी को चुनना चाहिए। आपको अगर लगता है उत्तर प्रदेश के नौजवान, मैं तो पत्रकार निष्पक्ष और ये आईना होता है समाज का, अगर पत्रकार ये कहे कि आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा तो मैं पूछना जरूर चाहूंगा आपके माध्यम से, ऐसा चाहता कि आप चौथा स्तंभ है देश के, ये सवाल लाजमी है आपका और इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? उत्तर प्रदेश की रोजगार को लेकर योगी सरकार ने 4 लाख रोजगार का पोस्टर विज्ञापन लगाए थे, क्या झूठे थे? मैं आपको उन्हीं पोस्टरों पे एक जवाब देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर पे भी पोस्टर लगा रखे हैं और पूरी दिल्ली में उत्तर प्रदेश की सरकार के पोस्टर लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरजमी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर
तमाम युवा धरने पे बैठे, अगर उनको रोजगार मिल गया तो महाराज हमको कितना बताइए, ये कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी चौखट के आगे धरने पे बैठे हुए और दिल्ली में आप पोस्टर लगा के उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहेंगे किसानों के आगे तो सरकार बड़ी देर हो गई महाराज आपको आते आते, आपको घुटने तो उस वक्त देखने चाहिए थे जब आपके बहुत पुराने साथी, बहुत सहयोगी साथी आपका दल और आपका मंत्रिमंडल छोड़ के चले गए थे। उस वक्त आपको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए थी, सद्बुद्धि तो आपको उस वक्त भी आ जानी चाहिए थी जब 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। सद्बुद्धि आपको उस वक्त आ जानी चाहिए थी जब 11 बार बैठक हुई थी। अब तो जब मंजिल करीब आती है तो कहा जाता है स्टेशन आके आपने कहा जाता है कि सामान घर पे भेजो, अब आपका जाने का समय आ गया है इसलिए आपको याद आएगा सामान। चलिए साफ तौर पर मतलब इनका कहना है कि इस बार सपा की सरकार, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस बार आखिर अखिलेश की सरकार क्यों? पहचान काम की होती है, सकल सूरत की नहीं होती महोदय जी। आप लोग हमारे भारत की मीडिया चौथा स्तंभ, क्या आप अपने को चौथा स्तंभ मानते हैं जी? आप मानते हैं? आप मानते हैं? बिल्कुल। तो ये जनता की, जैसे आपने इसीलिए तो आपकी आवाज को लेने आया हूं। हां बिल्कुल, आवाज है हम लोग और आवाज आवाम बनती है। हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे मुद्दे जाति धर्म नहीं है। अच्छा मतलब मौजूदा सरकार ने इन विषयों पर नहीं किया काम, किसी की मत में नहीं किया, इसलिए परिवर्तन होना भी चाहिए, परिवर्तन होना भी चाहिए समय के हिसाब से। 2013 में यहाँ भारत में डीजल का 44 रुपए आज बिक रहा है घंटे के। सबसे बड़ी वजह पूछी जाए तो क्या है? महंगाई। देश की राजधानी लखनऊ में आप लगातार जनता से भी बात कर रहे हैं और उन नेताओं से भी बात कर रहे हैं जो पार्टी के लीडर हैं, कि आखिर उनके नेता को क्यों चुना गया? 2022 के इलेक्शन के लिए काफी तैयारी है और इस वक्त भी स्मृति उपवन में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की एक जनसभा चल रही है जहाँ पर नेताओं ने बताया कि आखिर सरकार की कमियां क्या है। मैं सबसे पहले HTN न्यूज़ माध्यम न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों को आज संविधान दिवस की बधाई देना चाहूँगा। आज का जो संविधान है वो सदन में पेश किया गया था जिसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया। उस टाइम के और आज के वर्तमान की दृष्टि में देखें तो संविधान का पूरी तरह से, वर्तमान की जो सरकार है वो पूरी तरह से हनन कर रही है, सामाजिक भी हनन कर रही है, राजनीतिक भी हनन कर रही है, शैक्षिक भी हनन कर रही है और पॉलिटिकल भी हनन कर रही है। किसी भी प्रकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। तो क्या लगता है इस बार जो लहर चल रही है कि समाजवादी सरकार आखिर क्यों बनेगी? देखिए ये समाजवादी की लहर नहीं है, उसका काम है, उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा और ईमानदारी है। वो कुरीतियों के खिलाफ और जो संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ निडर और निर्भीकता से लड़ रहे हैं। इस वजह से जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, वो माननीय अखिलेश जी के साथ हैं। चलिए तो इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्यों बनेगी? मेरा नाम सुनीता कश्यप है, मैं समाजवादी पार्टी की जिला सचिव हूँ और आज 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष में हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो भाजपा सरकार इन लोगों का अपमान कर रही है, छोटी जातियों का, इसी की सभी संगठन और सभी दल मिलकर सामना करेंगे और भाजपा को यहाँ से भगाएंगे। देश बचाओ आंदोलन कर रहे हैं।